आज हम एडिट करने वाले हैं एक कॉमेडी वीडियो को और साथ ही साथ में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपनी कॉमेडी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल का, जैसे हर्ष पेनीवाल, राउंड 12, अमित बड़ाना ये सब करते हैं उस लेवल पे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। जिनके आज हम वीडियो एडिट कर रहे हैं इनके चैनल का नाम है गिली बॉयज। इनसे मैंने इंस्टा पे डेटा मांगा था इस वीडियो का, काफ़ी अच्छी हुई वीडियो है लेकिन इसमें काफ़ी चेंजेस हैं जो अगर आप करेंगे, आप सीखेंगे तो आपकी वीडियोस भी अच्छी बन जाएगी। जिसमें सबसे पहला चेंज है, जैसे देखो इनका ओपनिंग सीन, तो इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर चाहिए वैरायटीज। अब वैरायटीज कैसे आएगी? वैरायटीज लाने के लिए इसके अंदर हम फुटेज ऐड करेंगे, यानी कि अलग अलग सीन ऐड करेंगे। जैसे कि अब मैं यूट्यूब से उठा लेता हूँ कोई 2 सेकंड का एक जंगल का सीन। आपको यूट्यूब से नहीं उठाने, आपको खुद से शॉट लेने, ऐसे जिस भी जगह पर आप हो वहाँ पर अलग अलग एंगल से शॉट लेने और मूविंग शॉट्स लेने, कभी स्टिल शॉट नहीं लेना। एक शॉट हम ले लेते हैं जंगल का, फिर 2 सेकंड का शॉट हम ले लेते हैं इन्हीं का जो इन्होंने ओपनिंग सीन रखा है, फिर इनका हम तीसरा ले लेते हैं एक शॉट पुलअप का। अब जो इनकी ऑडियो है, ये जो ऑडियो है जैसे पुलअप करते हुए जो कर रहे हैं, उसके बाद फ़ोन आ रहा है, ये फ़ोन आ रहा है, फिर ये पुलअप छोड़ के फिर फ़ोन उठा रहे हैं, ये देखो सीन जो है लंबा चल रहा है। अब इसी में हम जान डालने के लिए क्या करेंगे, ये जो जंगल के जो ओपनिंग शॉट था इनका, उसकी आवाज़ को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, डिलीट। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा पुलअप करते हुए सीन है, जैसे 4 पुलअप्स इन्होंने करे, बहुत बढ़िया बात है भैया, हमसे एक नहीं होता, लेकिन देखो अब क्या करेंगे हम 3 पुलअप्स के जो सीन है, 3 पुलअप्स की वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। अब जो हमारा पहले का वीडियो पड़ा है और बाद का हमारा ऑडियो पड़ा है, तो इसको हम आगे कर देंगे, ऑडियो को आगे सरका देंगे जंगल के सीन के साथ ही। जैसे हमारा सीन शुरू होता है कि जंगल का सीन हमने दिखाया, वहीं पे हमारा कॉल आना शुरू हो गया, वहीं पे फिर 2 सेकंड का इनका अपने ओरिजिनल जंगल का सीन आया, वहाँ पर भी कॉल आ रहा है, फिर तीसरा शॉट हमने लिया कि आखिरी पुलअप ये कर रहे हैं, पुलअप से उतर के फ़ोन उठा रहे हैं। अब इसी के अंदर देखो जैसे ही फोन उठाता है, यहाँ पे आपका दूसरा कैमरा एंगल आना चाहिए था। सीन की एक्टिविटीज के हिसाब से अगर आप देखो, जैसे हमारा ओपनिंग शॉट था एक, उसके बाद पुलअप्स करते हुए सामने से शॉट था हमारा कि नीचे से कैमरा एंगल है वो पुलअप्स कर रहा है, फिर उसके बाद जब फोन उठाते हुए सामने से शॉट आए कि फोन उठा रहा है, लेकिन जैसे ही फोन उठा लिया वहां पे बात कुछ और शुरू हो गई है, तो वहां पे हमारा कैमरा एंगल चाहे पीछे से लेना चाहिए था, अगर हमारे एक्टर की बैक दिखाई जाती तो वो और ज्यादा इंपैक्टफुल पड़ता। तो शूट के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके सीन के अंदर एक्टिविटी चेंज हो रही है, आपके जो कैमरा के एंगल है वो भी चेंज होते रहने चाहिए। अब देखो फोन उठाते जो भी कॉलर की आवाज थी, वो आवाज इस वीडियो के अंदर ठीक नहीं है, तो उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आप फोन पे वॉइस ओवर खुद से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया, हालांकि अगर आप उसी लोकेशन पे हो गए तो आपकी आवाज भी उसी के हिसाब से ज्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, वहाँ पे जाओ, मेरा आदमी मिलेगा, वो तुम्हें पैसे दे देगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन वो बता देगा। अब आता है हमारा शॉट नंबर 2। स्टार्टिंग देखो अच्छी है इनकी की टी शर्ट पहनते हुए गेट से आ रहा है फिर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन इसको हम और बेहतर बना सकते थे, अगर ये 2 सेकंड का और शॉट यहाँ पे जैसे ओपनिंग में वाइड एंगल कर देते तो यहाँ पे थोड़ा सा फनी होता कि जंगल के अंदर गेट है, गेट के आसपास कोई दीवार नहीं, जैसे धमाल मूवी के अंदर था कि दरवाजा ही सिर्फ नजर आ रहा है, आसपास में कुछ नहीं है। सेम यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने उस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया। अब इसके साथ साथ ही देखो, इन्होंने म्यूजिक तो बड़ा अच्छा सेलेक्ट किया म्यूजिक के साथ, लेकिन इनकी बीट्स के अकॉर्डिंग एडिट नहीं हुई। यहाँ पे देखो आपको 2-4 शॉट्स और लेने चाहिए थे, अगर आपका म्यूजिक इतना अच्छा है तो यहाँ पे आप 2-4 शॉट और लेते कि हाँ चलते हुए जा रहा है, पैरों के शॉट, हाथ का शॉट, जो भी है बंदूक उठाते हुए का शॉट, जिस तरीके का अलग अलग शॉट्स है। लेकिन वहाँ पे अगर आपके पास शॉर्ट्स नहीं है, तो जैसे ये हमारी वेबसाइट पे हमने ये प्रीसेट्स अपने बना रखे हैं, तो आप इस तरीके के प्रीसेट्स भी लगा सकते हैं। जैसे म्यूजिक है तो वहाँ पे ये फ्लैशेस आ गई या अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स आ गए। इसके अंदर 70 कलर ग्रेडिंग के प्रीसेट्स भी हैं, साथ में ऑडियो को क्लीन करने के प्लगइन्स भी है, सारा कुछ एक ही पैकेज के अंदर सिर्फ 99 रुपीज में। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगले शॉट में देखो कि लड़का आउट ऑफ फोकस हो जाता है, देखो बैकग्राउंड ज़्यादा क्लियर नजर आ रहा है जहाँ पे लड़का हमारा क्लियर नहीं है। ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। रीटेक ले लो, क्या दिक्कत है।
जो इनकी कन्वर्सेशन है वो भी पूरा स्टिल शॉट है। अगर आपके पास गिम्बल है, आपने एक शॉट दिखाया कि मूविंग शॉट दिखाया पूरा ऐसे, तो वहाँ पे आगे की कन्वर्सेशन में क्यों खड़े हो गए? तो जितना थोड़ा सा मूविंग एटलीस्ट तो होना ही चाहिए अपना कैमरा एंगल्स हमेशा। अब आउट ऑफ फोकस आपके कोई भी शॉट होते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखो कितना ज़्यादा आउट ऑफ फोकस है, तो यहाँ पे आपको दोबारा से शॉट ले लेने चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हर शॉट के बाद आपको या फिर कैमरामैन को तो एटलीस्ट देखना चाहिए कि शॉट फोकस में था भी या नहीं। अरे सॉरी सूरबीर भाई, हाँ। ले तो आया हूँ, हाँ। पकड़ जाए तो मेरा नाम मत आना चाहिए। अरे यार क्या बात कर दी यार, हाँ। तुमने हैं? अगले शॉट में देखो आम का पेड़ तो दिखाना चाहिए था, अगर ये बात कर रहे थे कि आम खिलाने लेके चलता हूँ, या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा जंगल का एरिया ही दिखा देते कि जहाँ पे पेड़ वेड़ हो। अब यहाँ पे हम स्टॉक फुटेज से डाल देते कि जंगल हमने दिखा दिया लेकिन आपको पेड़ दिखाने हैं वहीं पे। उसके बाद जैसे आम टूटते हुए का भी एक आधा दिखा देते, आम कैच कर रहा है या फिर वो लड़का जाके फटाफट से आम उठा रहा है, वो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाना चाहिए था एक सीन कि आम तोड़े हैं उन्होंने फटाफट से, तो आम उठाते हुए, आम गिरते हुए, आम के लिए पत्थर फेंकते हुए, ये सारी चीज़ छोटी छोटी सी एक एक सेकेंड के शॉर्ट्स आपको लेने चाहिए अगर आप इस तरीके का कुछ बना रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो सीन इन्होंने कितना लंबा करा कि पत्थर मार के आया वो, फिर आके वो आम खा रहा है, फिर इधर उधर देख रहा है एक और, फिर उठा के दूसरा मार रहा है। ये सारा कट करके हम सीधा दूसरा पत्थर फेंकते हुए दिखा सकते थे जहाँ पे वो मालिक आके चिल्लाता है, फिर ये भागते। इन्होंने भागते हुए का सीन भी नहीं दिखाया, और अगर ये भागते हुए का सीन दिखाते वहाँ से कि मालिक आया भागे हैं और भागते हुए ये डायलॉग मार रहे हैं कि नाम मत लेना अगर पकड़े जाए, जो इन्होंने स्टार्टिंग में लिया, अगर वो यहाँ पे भी एक बार दोहरा देते उस चीज़ को तो हमारा अगला शॉट जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता। वो कैसे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अरे वो पड़ा है यार, कितने ला जल्दी ला यार, मस्त आम है यार, अब अगले शॉट में देखो शॉट एंगल जो है वो तो अच्छे लिए इन्होंने कि पीछे वाला बंदा भी नजर आ रहा है और सामने वाला भी, लेकिन शॉट अगेन वो आउट ऑफ फोकस है। इसके साथ साथ में देखो जो हमारा डायलॉग था कि नाम लिया और फटाफट से वो बंदा नाम लेने लग गया, उसको लगा कि मालिक आया, तो सीन काफ़ी अच्छे है, स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो डिलीवरी है डायलॉग्स की वहाँ पे थोड़ी सी कमी ये है कि जो डायलॉग था पहले वो भागते हुए अगर वो दिखा के बोल देते अरे मैं ना ही नाम लूँगा चाहे कुछ हो जाए या जो भी है टेंशन ना ले, किसी भी तरीके से वो उनके तरीका उनका स्टाइल है, लेकिन यहाँ पे अगर वो डायलॉग बोलते तो इस डायलॉग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जान आती। जैसे कि राउंड टू हेल जैसे क्रिएटर्स जो हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस में। उसके बाद इनके शॉर्ट्स के अंदर देखो कंटिन्यूटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई कि किसी शॉर्ट में तो कंधे पे हाथ है तो किसी में कंधे पे नहीं है, किसी में दूसरे कंधे पे है तो किसी में आगे खड़ा है किसी में पीछे खड़ा है। इस तरीके से कंटिन्यूटी को ख़राब नहीं करना है अपनी, हमेशा पोजीशन को ध्यान में रखना है। जैसे ही आप एंगल चेंज कर रहे हो तो अपने एक्टर्स को कहो कि उसी पोजीशन में खड़े हो जाओ जिसमें पहले खड़े थे। इसके बाद देखो फाइनल शॉट आता है इनका, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंतजार करवाया जाता है कि यही दोनों मालिक का फ़ोन आया, फिर वेट करें अबे तेरे मालिक का फ़ोन कब आएगा, मालिक का फ़ोन आ गया, ये सारी चीज़ें काट के हम ये भी दिखा सकते थे सीधा यही दोनों बंदे हैं क्या, हाँ वो दूसरा बोल रहा है नो करके, हाँ यही है। अब सीधा मालिक का फ़ोन आता है कि उसको नहीं वो बंदा है उसको मारना है, ये गोली चलाते हैं, जो भी इनका डायलॉग है सीधा ये बीच के जितने भी एक्स्ट्रा शॉट थे ये कट कर सकते थे बहुत आसानी से। यहाँ पे हमारे जो कट्स हैं कट्स बड़े समझदारी से हमें लगाने हैं, ऐसा नहीं कि जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है कट टू कट हर लाइन हमारी एडिटिंग के अंदर फाइनल होनी चाहिए। अगर बीच की लाइन्स आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है तो वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा है, उनको डिलीट कर दो। अब बारी आती है हमारी कलर ग्रेडिंग की। कलर ग्रेडिंग हमेशा सबसे आखिरी स्टेप आपका होना चाहिए। देखो कलर ग्रेडिंग के ऊपर वैसे तो पूरी सेपरेट डिटेल में वीडियोस भी बना सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट में जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखो कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा है इनकी वीडियोस का, तो चांसेस ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैनन के कैमरा से इन्होंने शूट करे जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आता है इसमें, मेरे पुराने कैमरा में भी ऐसा ही था। अब देखो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के अंदर हम सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा सा हम कम करेंगे क्योंकि पीछे आसमान नज़र नहीं आ रहा, वाइट वाइट आ रहा है, शेडोज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ताकि हमारा जो चेहरा है वो क्लियर से नज़र आए। उसके बाद आ जाते हैं हम देखो जैसे स्किन टोन है इनकी काफ़ी ज़्यादा रेड रेड नज़र आ रही है जो कि अच्छी और नेचुरल नहीं लगती। तो सिंपली हम क्या करेंगे अपने कर्व्स के अंदर जाएंगे, कर्व्स के अंदर जाके आपके ह्यू वर्सेस लूमा के अंदर जाना है, ह्यू सैचुरेशन को नहीं छेड़ना, ह्यू को नहीं छेड़ना, ह्यू एंड लूमा की तरफ आपको जाना है, और वहाँ पे सिंपली आपको ये जो पिकर का टूल है इसको सेलेक्ट करके अपनी स्किन टोन के ऊपर सेलेक्ट करना है। काफ़ी चांसेस यही है कि अगर आपने ठीक से शूट कर रखा है तो आपकी स्किन टोन जो है सेलेक्ट हो जाएगी, और ल्यूमा को ऊपर की तरफ खींचना है। ध्यान रखना कि ज़्यादा ऊपर ना खींचो, जितना ज़्यादा ऊपर आप खींचोगे आपकी वीडियो जो है फटती चली जाएगी। थोड़ा सा इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर खींच के देखते जाना, आपकी स्किन टोन जो है थोड़ी सी क्लियर होती जाएगी। अब ये नेचुरल लुकिंग हमारी वीडियो यहाँ पे लग रही है, इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर कर सकते हैं, जैसे कलर व्हील्स में जाके हम शेडोज़ को नीचे की तरफ कर देंगे
ताकि हमारे जो बाल थे बाल वापस से ब्लैक नजर आए, काफी व्हाइट व्हाइट से ना हो। मिड टोन्स को हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि हमारा चेहरा और ज्यादा क्लियर सा हो जाए। वहीं पे हाइलाइट्स को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे ताकि हमारा बादल भी नजर आए, क्योंकि बादल जरूरी है। आपके कोई भी सवाल है एडिटिंग से रिलेटेड या इस तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।